आर्य को वापस नहीं आना चाहिए था। उसने खयामत को निमंत्रण दिया। शेखावत सीनियर रिप्रेजेंट्स अ पर्सन हु इज फाइनली सेटलिंग डाउन इन लाइफ, समवन हु हैज एवरीथिंग एंड वन मेजर इंसिडेंट चेंजेस ऑल दैट। It's ironical, it's tragic. What happened shouldn't have happened to him. But he gets caught again because of reasons of relationships and family into a maelstrom where maybe karma, as they say, was responsible. Zindagi kismat se nahi, faislon se banti hai. It's not about only rivalry. It's about the complex relationships between old friends and their children and the feudal way of life. Sampath at heart is the same desi guy that he was, and the certain characteristics that Shekhawat Senior has. So Sampath has imbibed, taken over, borrowed the German element. Good morning, sir. What, dude? German mind laya se aapke liye. Taste? If dekho aapke discipline ne aadha German to banai diya. Cheers. The anger or the hatred two enemies have towards each other, I think intensity wise it borders on love. So it's a similar sort of a thing between Sampath and Arya. Ke khilone liye ghum rahi hai agwa marega mujhe mar mar na mar. Personal angst towards Arya, but because of his commitment towards the Shekhawat family, Sampath, as part of his duty, has to do what the Shekhawats say. बचेंगे तो हम वैसे भी नहीं पापा. वो इसीलिए आई है हम लोगों को सूली पे चढ़ाने. सीजन टू इज कम्प्लीटली ऑपोजिट फॉर संग्राम बिकॉज अब वो निकल के आ गया है पर उसकी हर्डल्स खत्म नहीं हो रही. बेसिक ट्रेड संग्राम के संग्राम ही है, सिंपल्स है. वो सोचता बाद में है, पहले कर देता है. बट इस टाइम वो थोड़ा सा ज़्यादा डेस्परेट इसलिए भी है कि अब उसको बच्चा हो रहा है. अलॉट हैज़ चेंज, इट हैज़ बीन टू ईयर्स जब तक वो जेल में था. तो आर्या वापस आ गई है, वहाँ से भी प्रॉब्लम है, संपत्ति की भी प्रॉब्लम है रशियंस की तरफ से. भाई बहन के बीच की बात, तो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है. उसको दीदी से अपनी प्यार भी है. दैट्स हाउ आई हैव डेवलप्ड संग्राम. वो कहीं ना कहीं उसका छोटा भाई है, वो तो उससे प्यार करती है और इसीलिए ना चाहते हुए भी बेवकूफ बन जाती है संग्राम के थ्रू. आज जो तुमने मेरे साथ किया है, मुझे तुम्हारे साथ करना पड़ेगा. एज अ कैरेक्टर आई थिंक दैट शी इज मॉरली अपराइट, मॉरली करेक्ट. बट अगेन व्हाट द काइंड ऑफ एक्शन शी इज डूइंग इज नॉट जस्टिफाइबल एज पर लॉ. अगर वापस इस कीचड़ में ही आना था, यहां से भागे क्यों? माय कैरेक्टर एसीपी खान, हिज जॉब इज टू मेक श्योर दैट नोबडी डज दैट. सो दैट ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ यू नो टेंशन इन आवर सीन्स. तुम मरोगी आयसरीन, आई विल फिनिश यू. शेफाली गुप्ता इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंटागनिस्ट इन अ वे ऑफ द शो, बिकॉज शी इज द वन हु इज हुज टेकिंग ऑन आर्या. Right, who is challenging Arya that, dude, what you're doing, I'm sorry, I'm not going to let you continue to do what you're doing. So she's headstrong, she's confident. You don't mess with Shefali Gupta. Hotstar Specials presents Arya Season 2, 10 December se.